केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। आपको एक पुराने वादे की लिस्ट रख देती हूँ। ये वो वादे हैं जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने से पहले किए गए थे, लेकिन संदीप कुमार के पक्ष में जिस तरह से बयान दिए गए उसके बाद तो ये लग रहा है कि केजरीवाल जितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे उतनी ही तेजी से वो उसे भूल भी जाते हैं। ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि 8:27 पर जरूर देखिएगा बकरीद से पहले बकरे की खाल में हाफिज की कश्मीर वाली साजिश। और अब ये रिपोर्ट। हम ऐसे किसी आदमी को टिकट नहीं देंगे जिसके ऊपर 3C के चार्जेस हों। 3C, करप्शन, क्राइम, कैरेक्टर। अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हम उसको टिकट नहीं देंगे। अगर किसी के ऊपर कैरेक्टर गलत है उसका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे और वादे करते थे, लेकिन अब उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा ही यू टर्न ले चुकी है। जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, तो कोई क्या करेगा अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। केजरीवाल का ये बयान पहले के बयान के बिल्कुल उलट है, और तभी दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं का गुस्सा नजर आया। एक तरफ दिल्ली रेप कैपिटल बनती जा रही थी, लीक से हटकर अलग सरकार बनाने के दावे पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन दावों और हकीकत का फर्क महज कुछ महीनों में ही सामने है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली में महिलाओं से रेप के 2199 मामले और सेक्सुअल हेरासमेंट के 1150 मामले दर्ज हुए।